अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आलू का भुरता बनाने जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार और चटपटा भुरता है ये। बनाते बनाते आपका दिल चाहेगा कि आप चाट की जगह इसको खा लें। अच्छा, हमें इसके बनाने के लिए चाहिए हाफ के जी आलू हमने लिए हैं, उसको मोटा मोटा तोड़ लिया है हमने, बहुत बारीक नहीं कुचला है, मोटा मोटा कुचल दिया है। अच्छा, अब इसमें हम डालेंगे, इसमें डालने के लिए 1 टीस्पून ये कुटी मिर्च है, 1 टीस्पून पिसा जीरा है, 1 टीस्पून नमक है, ये चीजें जाएंगी इसमें। अच्छा, और ये 2 टेबल स्पून ये इमली का पल्प है, ये जाएगा इसमें। ठीक है, ये चला गया। अच्छा, अब उसमें जाएगी ये अंडे की तरह कुटी हुई ये प्याज है, 2 टेबल स्पून है बड़े, ये जाएंगे इसमें। 2 हरी मिर्चें हैं छोटी, ये जाएंगी कटी हुई। और इसमें खूब बहुत सारा हरा धनिया जाता है, ये थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे और थोड़ा ये गार्निशिंग के लिए हम रोक लेंगे इसको। ठीक है, ये हम इसमें मिक्स करते हैं। अच्छा, ये प्याज और जीरा जाएगा बघार में, प्याज के साथ हम डाल देंगे जीरा इसको। प्याज कच्ची पक्की करेंगे वो हम आपको दिखाएंगे फ्राई करते वक्त। ठीक है, तो मैं इसको मिक्स करती हूँ और फिर आपसे वहाँ पर बघार में मिलते हैं हम। ये व्यूवर्स देखें, मैंने मिक्स कर लिया है ये भुरता। अब मैं जा रही हूँ बघारने प्याज और जीरे से, तो अब हम चलते हैं किचन में। ये व्यूवर्स देखें, अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाला मैंने। अच्छा, ऑयल गर्म होता है तो हम इसमें प्याज और जीरा डाल देंगे। ठीक है, देखें ये प्याज हमारी हो गई है आधी कच्ची पक्की हो गई है, जरा गीली गीली। अब हम इसमें डाल देंगे भुरता। हम इसको भूनेंगे इसमें, देखें प्याज डालते डालते हो गई थी। बस ऐसे पलटते रहेंगे कि नीचे से जरा सी एक लेयर आ जाएगी, फिर हम इसको पलट देंगे। अच्छा, ये ऑप्शनल है कि आप इसमें डाल सकते हैं, चाट मसाला भी डाल सकते हैं, कुटी मिर्च भी आप टेस्ट कर सकते हैं ज्यादा चटपटा बनाने के लिए इसको, ये आपकी मर्जी पर निर्भर है। थोड़ी सी देर हम इसको ऐसे पड़ा रहने देंगे, फिर नीचे इसके पपड़ी आ जाएगी, फिर हम इसको पलटेंगे के लिए। ये व्यूवर्स देखेंगे, अब हम इसको पलटेंगे। ठीक है, मैंने इसमें कलर के लिए थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है, पेपरिका डाली है मैंने। ये देखिए ऐसी पकड़ी आना चाहिए इसमें, और वो सिर्फ लोहे की कढ़ाई पे आएगी, वरना आप नॉन स्टिक को तो इतना रगड़ नहीं सकती। देखिए हमारा मज़ेदार भुरता तैयार हो गया है, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। आप बनाइए, इसको फॉलो कीजिए मेरी रेसिपी से, इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनेगा। और आप इसको पराठे के साथ, पूरी के साथ, चपाती के साथ, या पराठे में भर के आलू का पराठा बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार होता है, मैं तो अक्सर बनाती रहती हूँ। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स में बताइए, और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर आपको और अच्छी रेसिपी के साथ बताएंगे, कोई और रेसिपी के साथ। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जी व्यूवर्स देखें, ये भुरता हमारा बन गया है, अब हम इसकी धनिए से गार्निशिंग करेंगे। इतना मज़े का लग रहा है ये, मैंने तो अभी खाना भी नहीं खाया, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसको खा लूँ।
कितना मज़ेदार लग रहा है देखें। चले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, और फिर दूसरी मज़ेदार रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। और उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।